हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और तिलक लगा के स्वागत करता हूँ आपका मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल पर। अच्छी खबर आ रही भाई लोग, एसएससी जेई की तरफ से एसएससी जेई का ऑफिशियल नोटिफिकेशन एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in में आ चुका है। अप्लाई ऑनलाइन की लिंक भी खुल चुकी है। कुछ प्रॉब्लम्स मुझे फेस करना पड़ा, उस बारे में बताता हूँ। कितनी पोस्ट निकलेंगी उस बारे में बताता हूँ, कितनी ब्रांचेस एलिजिबल होने वाली उस बारे में बात करते हैं। डिटेल में पूरा नोटिफिकेशन, बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है, डिटेल में पूरे नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। बी बीटेक डिप्लोमा वाले एलिजिबल हैं, किस तरह एग्जाम होने वाला है भैया, बहुत 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 सारे चेंजेस हुए हैं। इस बार फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। 1 अगस्त 2019 तक अगर आप पास आउट हो जाएंगे, 1 अगस्त तक अगर आप पास आउट होने वाले हैं इस साल, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। डिटेल में हम इसी के नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, क्या है खास और क्या प्रॉब्लम मैं सुबह से फेस कर रहा हूँ बताता हूँ आपको। आखिरी तक बने रहना पड़ेगा मेरे साथ। मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं मैकेनिकल गुरु। चलिए करते हैं इस वीडियो को शुरू। भाई लोग, ये अच्छी बात है इस साल के एसएससी जेई के नोटिफिकेशन में कि इस बार फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। 1 अगस्त 2019 तक पास आउट होने वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसी बात में लाइक जरूर करना इस वीडियो को। बहुत सारे यूट्यूबर्स, लगभग हर एक यूट्यूबर बोल रहे थे आपको फाइनल ईयर वाले इस बार अप्लाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन तुम्हारा भाई लास्ट संडे जॉब अपडेट में आपको बताया कि सितंबर में होने वाला इसका फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, और सितंबर में एग्जाम होता है तो फाइनल ईयर वालों को एलिजिबल होना चाहिए, और एसएससी वालों ने फाइनल ईयर को एलिजिबल कर दिया। तुम्हारे भाई की बात सही निकली। लाइक जरूर करना इस वीडियो को। डिटेल में अब आगे के नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। भाई लोग, सुबह मैंने कम्युनिटी टैब पर एक पोस्ट किया जहां मैंने पूछा कि ये वीडियो आपको किस तरह चाहिए, सिर्फ नोटिफिकेशन बताऊं, ऑनलाइन अप्लाई करके बताऊं, या दोनों चीज मैं करके बताऊं। आप में से बहुत से लोगों ने बोला कि भैया आप नोटिफिकेशन भी बता दीजिए, ऑनलाइन अप्लाई करके भी मुझे बता दीजिए। लेकिन भाई लोग, मुझे एक बहुत 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 बड़ी प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है कि मेरा ओटीपी नहीं आ रहा है। मैं जो भी मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ और जो भी ईमेल आईडी डाल रहा हूँ, मेरा ओटीपी मेरे तक पहुंच नहीं रहा है। और मैंने 3 बार ट्राई कर लिया है, 3 बार अलग अलग ईमेल आईडी, अलग अलग फोन नंबर डाल के मैंने देख लिया, अपने मम्मी की ईमेल आईडी और फोन नंबर भी डाल के देख लिया, जो मैंने कभी कहीं पर रजिस्टर करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया है, तो भी मेरा ओटीपी आ नहीं रहा है उस नंबर पे जहां पे, जिस नंबर को लेके मैं रजिस्टर कर रहा हूं। तो ये बग सिर्फ मेरे साथ है कि ये बग सभी के साथ हो रहा है, मुझे नहीं पता। क्योंकि कल रात में मैंने कुछ लोगों से बात की तो कल रात में ये ओटीपी जा रहा था ईमेल पर, आज सुबह मेरे को ये ओटीपी नहीं मिल पा रहा है। आप एक बार रजिस्टर करके देखिए और देखिए कि क्या भैया आपके पास ओटीपी आ रहा है रजिस्ट्रेशन का। और ऊपर में मैं एक पोल दे रहा हूँ, इस पोल में मुझे जरूर बताइएगा कि क्या आपका ओटीपी आ रहा है, क्या रजिस्ट्रेशन आपका सक्सेसफुली हो पा रहा है, क्योंकि मेरा तो अब तक नहीं हो पाया है। और मेरा जैसे ही रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा, मैं आपके लिए ऑनलाइन रजिस्टर करके और ऑनलाइन अप्लाई करना कैसे करना है मैं आपको हर एक चीज, हर एक डिटेल एक वीडियो बना के तो बता ही दूंगा। लेकिन अभी फिलहाल सुबह से थोड़ा मूड ऑफ हो गया है क्योंकि ओटीपी मेरे को आ नहीं रहा है। अगली बात करते हैं कि कितनी पोस्ट इस बार एसएससी जेई में निकलने वाली है। भाई लोग, 70-80% भाई लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन लोग ये जानते हैं कि एसएससी जेई कभी भी शुरुआत में हमको नहीं बताता है कि कितनी पोस्ट निकलने वाली हैं। और जो 20% लोग हैं उन लोग पहली बार शायद एसएससी का फॉर्म या फिर नोटिफिकेशन देख रहे हैं, और एसएससी का जो भी नोटिफिकेशन पहली बार देखते हैं उनको ये तो डाउट होता ही है, ये डाउट होना आपका लाजमी है कि कितनी पोस्ट है। तो भाई लोग, अभी हमको नहीं पता है कि कितनी पोस्ट है। लास्ट ईयर रिजल्ट आने के बाद पता चला था कि 350 पोस्ट के लिए एसएससी जेई का रिक्रूटमेंट हुआ था, और बहुत सारे लोग नाराज हुए कि इतनी कम पोस्ट क्यों, हर बार 1000 से ज्यादा पोस्ट और इस बार 350, पिछले साल 350 क्यों, इस बार कितनी पोस्ट आएंगी। 1000 आ सकती हैं, 1000 से ज्यादा भी आ सकती है, 1000 से कम भी आ सकती हैं। बहुत सारे सर्कमस्टांसेस हैं जिसके ऊपर डिपेंड करती हैं चीजें। मैं उनके बारे में बात नहीं करना चाहता, मैं नोटिफिकेशन के बारे में बात करना चाहता हूं। लेकिन कितनी पोस्ट आएंगी, वह 500 से ऊपर हो सकता है आंकड़ा, 1000 के ऊपर भी हो सकता है, 1000 से कम भी हो सकता है, लेकिन मेरी उम्मीद है कि आंकड़ा ये 500 से ऊपर जरूर होगा। अब बात करते हैं कि भैया ये एसएससी जेई का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन ssc.nic.in में आ चुका है, यह 1 फरवरी से शुरू हो गया है, जैसा कि आप लोग जानते हैं 1 फरवरी 2019 से, और यह चलने वाला है भाई लोग 25-2-2019 तक, 25 फरवरी तक यह एप्लीकेशन ऑनलाइन अप्लाई करने की लिंक शुरू रहेगी, यानी कि बहुत कम समय है। ये एग्जाम की डेट समय बता दी गई है, पहला एग्जाम जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा ये होने वाले सितंबर को 23-9-2019 से लेकर 27-9-2019 के बीच में, और जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होने वाला है दिसंबर में होने वाला है 29-12-2019। इसके अलावा अगर हम सैलरी की बात करें तो 4200 ग्रेड पे के अंदर लेवल 6 की ये जॉब है, जहां पे 35,400 रुपीज पर मंथ ये स्टार्टिंग बेसिक आपको मिलता है, प्लस TA DA HRA यह सब चीज, यह सब सुविधा आपको मिल जाती है।
अब हम डिटेल में पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं, सिविल वालों के लिए, मैकेनिकल वालों के लिए और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। भाई लोग बेसिकली अगर मैं ब्रांच की बात करूं तो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल ये ब्रांचेस हैं जो एलिजिबल हैं। अगर आप इसके अलावा और कोई ब्रांच से हैं तो पिछले एसएससी जेई के नोटिफिकेशन में आपके लिए भी ब्रांच कोड दिया रहता था, यानी कि आप अगर पिछले साल का एसएससी जेई का एग्जाम देते तो आप सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इन तीनों में से कोई भी सिलेबस को चुन करके उसमें आप एग्जाम दे सकते थे, चाहे आप कोई भी ब्रांच से रिलेटेड हो, कोई भी ब्रांच वाले हो। लेकिन इस बार दूसरी ब्रांच वालों का कोड नहीं दिया गया है, इस बार सिर्फ सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल का ही सिलेबस है। दूसरे ब्रांच वालों का कोड नहीं दिया हुआ है तो ये ऐसा है कि भाई दूसरे ब्रांच वालों के लिए शायद इस बार यह नोटिफिकेशन नहीं है, सिर्फ सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल से रिलेटेड कुछ ब्रांच वालों के लिए ही है। भाई लोग अगर दूसरे ब्रांच वालों के लिए अगर ये नोटिफिकेशन होता तो उनको भी अप्लाई करना पड़ता सिविल में या फिर इलेक्ट्रिकल में या फिर मैकेनिकल में, और इन्हीं की आपको तैयारी करनी पड़ती। अब हम बात करते हैं कि पोस्ट कितनी है सिविल के लिए, मैकेनिकल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए और कहाँ पे है। तो सबसे पहले सिविल की बात करें तो सिविल में सेंट्रल वाटर कमीशन यहाँ पे पोस्ट है, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, फराका बैरेज, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो सिविल वालों के लिए यहाँ पे पोस्ट है, मैकेनिकल में सेंट्रल वाटर कमीशन में है, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में है, फराका बैरेज में है, सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च में है, डायरेक्टरेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस में है, NTRO यानी कि नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में मैकेनिकल वालों के लिए पोस्ट है। इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं CPWD यानी कि सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में, MES यानी कि मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में, फराका बैरेज में, CWP सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च में, डायरेक्टरेट ऑफ क्वालिटी एंड एश्योरेंस में और NTRO में इलेक्ट्रिकल वालों के लिए पोस्ट यहां पे निकली हुई है। तो ये कुछ डिपार्टमेंट है जहां पे जूनियर इंजीनियर की पोस्ट सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के लिए निकली हुई है। एज लिमिट की बात करते तो एज लिमिट एज ऑन 1 अगस्त 2019 तक आपकी उम्र भाई लोग 32 साल 32 ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कुछ पोस्ट के लिए 32 ईयर एज लिमिट रखी गई है, कुछ पोस्ट के लिए 27 साल एज लिमिट रखी गई है, कुछ पोस्ट के लिए 30 साल एज लिमिट रखी गई है। डिटेल नोटिफिकेशन में आप हर एक चीज देख सकते हैं, जैसे कि सेंट्रल वाटर कमीशन में 32 साल एज लिमिट रखी गई है सिविल वालों के लिए, मैकेनिकल वालों के लिए, CPWD में भी 32 साल एज लिमिट रखी गई है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में 27 साल एज लिमिट रखी गई है, MES में 30 साल एज लिमिट रखी गई है, फराका बैरेज में 30 साल एज लिमिट रखी गई है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में 30 साल एज लिमिट रखी गई है, ऐसे ही बाकी जगह में भी 30 साल एज लिमिट रखी गई है। सेंट्रल वाटर कमीशन, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है जहां पे एज लिमिट थोड़ा फर्क है, बाकी सब जगह एज लिमिट 30 साल रखी गई है। इसके अलावा SC ST वालों के लिए बिल्कुल रिलैक्सेशन एज में मिलने वाला है। SC ST वालों को 5 साल और OBC वालों को 3 साल का एज रिलैक्सेशन की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। इसके बाद एडुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं। एज ऑन 1 अगस्त 2019 तक आप पास आउट हो जाने चाहिए, यानी कि अगर अभी आप फाइनल ईयर में है तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। आपका रिजल्ट बेसिकली भाई 1 अगस्त 2019 तक आपके हाथ में हो जाना चाहिए, जो कि अमूमन अगर आप फाइनल ईयर में है तो आपके हाथ में आ जाता है 1 अगस्त तक आपका रिजल्ट, अगर आपके साथ कुछ गलत नहीं होता या बैक वैक नहीं लगता है तो। तो 1 अगस्त 2019 तक अगर आपका रिजल्ट आपके हाथ में आ जाता है तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर सिविल सेंट्रल वाटर कमीशन में डिग्री, डिप्लोमा सिविल वाले अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल सेंट्रल वाटर कमीशन में डिग्री, डिप्लोमा मैकेनिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं। CPWD में सिविल वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा CPWD इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल वाले और मैकेनिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल CPWD में सिर्फ डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल और डिप्लोमा मैकेनिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं, BE BTEC नहीं है, जबकि CPWD सिविल में भी डिप्लोमा सिविल वाले ही खाली अप्लाई कर सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में सिविल की जो पोस्ट है इसमें डिप्लोमा 3 साल का डिप्लोमा है सिविल में तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, BE BTEC नहीं है। जूनियर इंजीनियर सिविल MES में जो पोस्ट है इसमें डिग्री BE BTEC सिविल वाले अप्लाई कर सकते हैं या फिर डिप्लोमा सिविल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, इसमें डिप्लोमा सिविल वालों को 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की पोस्ट MES में निकली हुई, उसमें BE BTEC इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं या फिर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं, 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। जूनियर इंजीनियर क्वालिटी सर्वेइंग में पोस्ट निकली हुई MES में 3 साल का डिप्लोमा है सिविल में तो आप अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जूनियर इंजीनियर सिविल फराका बैरेज में डिप्लोमा है सिविल में तो आप अप्लाई कर सकते हैं, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल फराका बैरेज में डिप्लोमा है इलेक्ट्रिकल में तो आप अप्लाई कर सकते हैं, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल फराका बैरेज में डिप्लोमा मैकेनिकल में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली फराका बैरेज में सिर्फ डिप्लोमा वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, BE BTEC वाले के लिए नहीं है।
जूनियर इंजीनियर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन सिविल में बीई बीटेक सिविल वाले अप्लाई कर सकते हैं, या फिर डिप्लोमा सिविल प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। जूनियर इंजीनियर सिविल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन में डिप्लोमा सिविल वाले बस अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल CWPR में डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल CWPR में डिप्लोमा मैकेनिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्टोरेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर मैकेनिकल बी बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं, या फिर डिप्लोमा प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। डायरेक्टोरेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस इलेक्ट्रिकल के अंदर बी बीटेक इलेक्ट्रिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं, या फिर डिप्लोमा अप्लाई कर सकते हैं, प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस डिप्लोमा वालों को मांगा गया है। जूनियर इंजीनियर सिविल NTRO में डिप्लोमा सिविल वाले अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल NTRO में डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल NTRO में डिप्लोमा मैकेनिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं। आगे की बात करते हैं, फॉर्म भरने की फीस 100 रुपए रखी गई है। SC ST वुमेन कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस नहीं रखी गई है। इसके अलावा भीम UPI नेट बैंकिंग क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड SBI चालान यह सब ऑप्शन है जिसके थ्रू आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, पेमेंट बेसिकली आप कर सकते हैं। एग्जाम के सेंटर आपको कहाँ कहाँ मिलेंगे, तो आपको एग्जाम के सेंटर ऑल ओवर इंडिया में मिल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेंट्रल रीजन में आपको मिल जाएगा, ईस्टर्न रीजन, कर्नाटक रीजन, मध्य प्रदेश रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, नॉर्दर्न रीजन, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, सदर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन, तो ये सब रीजन है। इन रीजन के अंदर अलग अलग एग्जाम के सेंटर निर्धारित किए गए हैं, आपको एक रीजन डिसाइड करना है और उसी रीजन में आपको फॉर्म भरना है और एग्जाम के सेंटर आप चेंज नहीं कर सकते। तो आप जिस जगह में आसपास में रहते हैं, आपका घर जिस रीजन में आता है, आप उसी रीजन के लिए अप्लाई कीजिए, बढ़िया रहेगा आपके लिए। इसके अलावा आप जिस भी रीजन से अप्लाई करेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह के लिए भी आपको उसी रीजन में जाना पड़ेगा। इसके बाद सिलेबस के बारे में या फिर एग्जाम के स्कीम के बारे में बात कर लेते हैं। 2 पार्ट में पेपर होगा। पहला पेपर होने वाला है सितंबर में, दूसरा पेपर होने वाला है इस साल दिसंबर में। जो सितंबर में पेपर होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला है, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के, जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के। इसके अलावा टेक्निकल क्वेश्चन आएंगे 100 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के, आपके ब्रांच रिलेटेड, चाहे वो सिविल हो, मैकेनिकल हो या फिर इलेक्ट्रिकल हो। यानी कि 2 घंटे का पेपर होगा, 2 घंटे के पेपर में 200 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 200 क्वेश्चन रहेंगे। और पेपर 1 आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा पेपर 2 तक पहुंचने के लिए, जो कि डिस्क्रिप्टिव टाइप होने वाला है। इसमें सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का पूरा टेक्निकल सिलेबस दिया गया है। 300 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे का ये पेपर चलने वाला है। भाई लोग, जो सेकेंड पेपर होने वाला है, इसमें कैलकुलेटर, लॉक टेबल, स्टीम टेबल वगैरह अलाउड है। इसके अलावा पेपर 1 आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा पेपर 2 में जाने के लिए। इसके अलावा पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के बेसिस पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा। इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे 0.25 की रखी गई है। एग्जाम का सिलेबस हमें पूरा दे दिया गया है, पेपर 1 का सिलेबस है बहुत छोटा सा, टेक्निकल का सिलेबस भी है छोटा सा, लेकिन पेपर 2 जो डिस्क्रिप्टिव टाइप होने वाला है उसका सिलेबस थोड़ा बड़ा है। तो अभी आप स्क्रीन में सारे सिलेबस देख सकते हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां जाके आप क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए, जिसमें आपके डिटेल में पूरे सिलेबस दिए हुए हैं। अगर मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस के बारे में बात करूं, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में यहाँ पे ज्यादा मेरे को थर्मल दिखाई दे रहा है। पहले तो थ्योरी ऑफ मशीन है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, उसके बाद जहाँ पे थर्मल स्टार्ट हो रहा है भैया थर्मल है बहुत सारा, इसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स भी बहुत सारा है। प्रोडक्शन थोड़ा सा कम है, प्रोडक्शन यहाँ पे थोड़ा कम है, थर्मल ज्यादा है, FM थोड़ा ज्यादा है, EM है, और इसके अलावा थ्योरी ऑफ मशीन और MD ये कंबाइंड सिलेबस है। तो मैकेनिकल वालों को मैकेनिकल की ही पढ़ाई करना है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैकेनिकल वालों को इलेक्ट्रिकल की पढ़ाई करना पड़ेगा। इसके अलावा और बाकी सब चीजें डिटेल में, मतलब जनरल इंस्ट्रक्शंस, और अगर आपने कोई गलती कर दी तो आपको क्या सजा मिलेगी और पेनल्टी, और बहुत सारी चीजें यहाँ पे इस नोटिफिकेशन में दी गई है। सर्टिफिकेट के फॉर्मेट वगैरह दिए गए हैं। तो भाई लोग, यही थी कुछ बातें बेसिकली जो आज के वीडियो में मैं आपको बताना चाहता था। और भाई लोग, बी बीटेक डिप्लोमा वाले तो अप्लाई कर ही सकते हैं, इसके अलावा AMIE MEM Tech ये भी अप्लाई कर सकते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। तो भाई लोग, यही थी कुछ बातें जो आज के वीडियो में मैं आपको बताना चाहता था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करना, शेयर कर देना इसे अपने दोस्तों के साथ, और उनको भी बता दो भाई SSC JEE का ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकल चुका है, साथ में हमको भरना है और सेंटर चुनना, चलना एग्जाम देने के लिए। मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल को अभी तक अपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि मैं आपके लिए रोज ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लेके आता रहता हूँ। बहुत जल्दी हम लोग मिलेंगे भाई लोग। जय जवान, जय किसान।